सामान्य हिंदी व्याकरण एक सफर में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज का हमारा अध्याय है व्यंजन। तो हिंदी व्याकरण के पहले खंड वर्ण विचार के आखिरी अध्याय व्यंजन में हम व्यंजनों के बारे में विस्तार से जानेंगे। यदि आपने पिछले अध्यायों को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप उन सभी से परिचित हो सकते हैं। और आप सभी से अपेक्षा रहेगी कि इस अध्याय और इस सफर के अंत तक आप बने रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता बल्कि किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, ऐसे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। पिछले अध्याय में हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था जिनको स्वतंत्रतापूर्वक बोला जाता है, यानी जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। परंतु ऐसे भी वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, और ऐसे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। यदि आप इन्हें स्वतंत्र रूप से बोलना चाहें तो आप इनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो इनका उच्चारण स्वतंत्रतापूर्वक नहीं किया जा सकता, ये स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में। तो व्यंजनों के मुख्यतः 9 भेद हैं, जो है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और आगत या गृहित व्यंजन। ये कुछ मुख्य व्यंजनों के भेद हैं जिनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन, जिन्हें पंचवर्ग के व्यंजन भी कहा जाता है। जो व्यंजन मुँह के विभिन्न विभिन्न भागों के स्पर्श से बोले जाते हैं, ऐसे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें पंचवर्ग के व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन जिनकी कुल संख्या 25 है, उन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहला वर्ग है क वर्ग, जिसके अंतर्गत व्यंजन है क, ख, ग, घ, अंग। दूसरा है च वर्ग, जिसके अंतर्गत च, छ, ज, झ, ञ। तीसरा है ट वर्ग, जिसके अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ और ण, ये व्यंजन आते हैं। चौथा है त वर्ग, जिसके अंतर्गत त, थ, ध, ध, ण, ये 5 व्यंजन आते हैं। और आखिरी है प वर्ग, जिसके अंतर्गत प, फ, ब, भ और म, ये व्यंजन आते हैं। तो कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। आइए अब हम जानते हैं पंचम अक्षर के बारे में। पंचवर्ग जिनसे हम अभी परिचित हुए हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सभी पंचवर्ग कहलाते हैं। इन पांचों वर्गों का जो पंचम अक्षर है, यानी पांचवा जो अक्षर है, वह पंचमाक्षर कहलाता है। और उनकी कुल संख्या 5 है, जो इस प्रकार है अंग, या, हणा, न और म, ये हमारे पंचम अक्षर कहलाते हैं। व्यंजन का अगला भेद है अंतस्थ व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो जीवा, दांत, तालु और ओष्ठ के अपूर्ण स्पर्श से बोले जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यानी जिनके उच्चारण में जीभ, दांत, तालु और होंठ, इनका अपूर्ण स्पर्श, यानी कि इनके सहयोग से तो बोले जाते हैं परंतु इनका पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता, ऐसे व्यंजन अंतस्थ कहलाते हैं। और इनकी संख्या 4 है। सबसे पहला है य, जिसका उच्चारण स्थान है तालव्य। दूसरा है र, जिसका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। तीसरा है ल, जिसका उच्चारण स्थान है दंते। और चौथा है व, जिसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। वर्गों का उच्चारण स्थान, इसके बारे में हम अध्याय 7 में परिचित हो चुके हैं। यदि आपने उस अध्याय को नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन में दिया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। व्यंजन का अगला भेद है ऊष्म व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु परस्पर घर्षण से निकलते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। यानी जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं
तो मुख से हवा बाहर निकलती है, लेकिन यदि यह वायु, ये हवा एक घर्षण के साथ बाहर निकलती है, तो घर्षण के साथ वायु निकलने से एक ताप, एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ऐसे व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और मुख्यतः इनकी संख्या चार है। पहला है क्षय, जिसका उच्चारण स्थान है तालव्य। दूसरा है क्षय, जिसका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। तीसरा है सै, जिसका उच्चारण स्थान दंत्य है। और आखिरी है, जिसका उच्चारण स्थान कंठ है। व्यंजन का अगला भेद है अल्प प्राण व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिसके उच्चारण में वायु अल्प मात्रा में निकलती है, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिनको बोलते समय जो मुख से हवा निकलती है वो कम मात्रा में निकलती है, ऐसे व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। इसके उदाहरण है पंचवर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, ये अल्प प्राण माने गए हैं। अल्प प्राण व्यंजन के उदाहरण आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिसमें पांचों वर्गों को लिखा गया है और पांचों वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को लिखा गया है। ये सभी अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, जिनको बोलते समय मुख से बहुत ही कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है। व्यंजन का अगला भेद है महाप्राण व्यंजन। तो ऐसे व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है, यानी एक प्रकार से मुख से निकलने वाली जो वायु है उसकी मात्रा अधिक होती है, ऐसे व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। इसके उदाहरण है पंचवर्ग के दूसरे और चौथे, सभी व्यंजन महाप्राण माने गए हैं। इसके उदाहरण आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण व्यंजन माने गए हैं। इनके उच्चारण में हवा मुख से अधिक मात्रा में निकलते हैं। व्यंजन का अगला भेद है घोष व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास वायु गले से निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा करती है, घोष व्यंजन कहलाते हैं। यानी जिनके उच्चारण में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है, ऐसे व्यंजन घोष व्यंजन कहलाते हैं। इसके उदाहरण है पंचवर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन घोष माना गया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पांचों वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें सभी वर्णों को घोष व्यंजन माना गया है, क्योंकि इनके उच्चारण के समय एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है। व्यंजन का अगला भेद है अघोष व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास वायु गले से निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं करते, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। इसके उदाहरण है पंचवर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन को अघोष माना गया है। इसके उदाहरण आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पांचों वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण को अघोष व्यंजन माना गया है, क्योंकि इनके उच्चारण के समय किसी भी प्रकार का कंपन उत्पन्न नहीं होता। व्यंजन का अगला भेद है उत्क्षिप्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा पहले ऊपर उठती है, मूर्धा को स्पर्श करती है और फिर झटके से नीचे आती है, इस प्रकार का उच्चारण यदि होता है तो ऐसे व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके दो ही उदाहरण है डै और एक ढै। आप इन दोनों का उच्चारण करके देखेंगे कि इन दोनों का उच्चारण करते समय पहले जीभ ऊपर उठी है, फिर मूर्धा को स्पर्श किया और फिर झटके से नीचे आते हैं, इस प्रकार के व्यंजन उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों का आखिरी भेद है आगत और गृहित व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं, आगत या गृहित व्यंजन कहलाते हैं। इसके उदाहरण है कै, खै, गै, ज़ और फै। ये सभी व्यंजन जिसमें नुक्ता का प्रयोग किया गया है, एक बिंदु का प्रयोग किया गया है, ये सभी आगत या गृहित कहलाते हैं, क्योंकि ये दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। आइए अब हम जानते हैं अयोगवाक किसे कहते हैं। ऐसे वर्ण जो ना स्वर है ना व्यंजन, फिर भी साथ अयोगवाक कहलाते हैं, यानी
वर्णों का भेद जब हमने पढ़ा था तो वर्णों के दो ही भेद होते हैं, मुख्यतः स्वर या व्यंजन। परंतु फिर भी कुछ वर्ण ऐसे हैं जो ना स्वर है ना व्यंजन, फिर भी वो स्वर और व्यंजनों के साथ दिखाई देते हैं। ऐसे वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। इसके दो ही उदाहरण हैं, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। उदाहरण में आप देख सकते हैं कि अनुस्वार स्वरों के साथ भी प्रयोग में लाया गया है और व्यंजनों के साथ भी प्रयोग में लाया गया है। अंग अंग शब्द में ए हमारा स्वर है, ए स्वर के साथ अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार दंत जो शब्द है उसमें द व्यंजन है परंतु उसके साथ अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, तो ये दोनों के साथ ही प्रयोग में लाया जा सकता है। अगला उदाहरण देखिए, प्रातः है। प्रातः में तय हमारा व्यंजन है जिसके साथ विसर्ग का प्रयोग हुआ है, और दुख में ऊ हमारा स्वर है जिसके साथ विसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे वर्ण जो न स्वर है न व्यंजन है अयोगवाह कहलाते हैं। तो आज के इस अध्याय में हमने वर्ण विचार के खंड को पूर्ण रूप से जान लिया है। अध्याय एक में हमने हिंदी व्याकरण के प्रारूप को समझा था, जिसमें हिंदी व्याकरण को चार मुख्य खंडों में विभाजित किया गया है, जिसका पहला खंड था वर्ण विचार। हम वर्ण विचार से भली प्रकार परिचित हो चुके हैं। तो अब तक के जितने भी अध्याय हमने पढ़े हैं उन सभी पे अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए आने वाले अध्याय में हम वर्ण विचार और पिछले सभी अध्याय पर आधारित एक प्रश्नावली पर चर्चा करेंगे, जो आपको आपके सभी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभान्वित करेंगे। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।